स्टूडेंट, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे चैप्टर 11 मनी। ठीक है, तो मनी मीन्स क्या होता है? पैसा। ठीक है, और पैसे का यूज़ हम बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं हमारी उपयोगी की जो चीज़ें होती हैं उनको खरीदने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मनी जो है कौन कौन से फॉर्म में होता है? यहाँ पर नोट एंड कॉइन्स। ठीक है, आप मनी किस किस फॉर्म में देखे हैं? एक तो नोट होता है और दूसरा कॉइन्स होते हैं। तो अब कौन कौन से जो रुपये हैं वो नोट में होते हैं, कौन कौन से रुपीज़ जो है क्या बोलते हैं कॉइन्स में होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे हमारे जो इंडिया है, हमारी कंट्री है ना, हाँ, अवर कंट्री में यहाँ पर नोट और कॉइन्स दोनों जो है फॉलो होता है ना। हम नोट और सिक्के का यूज़ करते हैं अपने इंडिया में। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर नोट सबसे पहले देखेंगे क्या क्या रुपीज़ का नोट है। देखिए यहाँ पर 5 रुपीज़ का नोट, ये 10 रुपीज़ का नोट, देखिए यहाँ पर 20 रुपीज़ का नोट है, और ये 50 रुपीज़ का नोट, यहाँ पर ये भी 50 रुपीज़ का नोट है। ठीक है, ये 100 रुपीज़ का नोट, ये 200 रुपीज़ का नोट है, ये 500 रुपीज़ का नोट है, और ये 2000 का नोट है। तो ये सारे जो नोट हैं ये आप लोग सभी आप अपने घरों में देखते हैं, है ना। जैसे कि इसमें से जो कुछ कुछ नोट जो है न्यू है, जैसे कि यहाँ पर 50 रुपीज़ का ये पुरानी नोट है, यहाँ पर ये न्यू नोट आई है अभी, है ना। यहाँ पर 200, ये 2000 नोट, ये सारे नोट जो है न्यू है, है ना। तो यहाँ पर ये जो सारे जो हैं हमारे मनी के फॉर्म नोट फॉर्म है, है ना। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कॉइन्स, तो जो पैसे होते हैं वो उनके सिक्के क्या क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर 25 पैसे, 50 पैसे का कॉइन्स होता है, 1 रुपीज़ का नोट, 2 रुपीज़ का नोट, सॉरी 1 रुपीज़ का कॉइन्स, 2 रुपीज़ का कॉइन, 5 रुपीज़ का कॉइन, और ये 10 रुपीज़ का कॉइन्स है, ये सिक्के हैं। तो कितने किसके किस कितने रुपए का सिक्के हैं ये आप सभी को पता है ना, आप ये सब देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ का जो कॉइन्स है ये हमारे इंडिया में अभी फॉलो है, अभी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर 25 पैसे और 50 पैसे का जो कॉइन्स है ये अभी फॉलो नहीं है, ये बंद हो चुकी है। ठीक है, ये अभी नहीं चलता। ठीक है, अब हम यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो नोट होते हैं पैसे होते हैं उसको कैसे टोटल अमाउंट करना है। यहाँ पर देखिए टोटल मनी, द वैल्यू ऑफ अ कलेक्शन ऑफ नोट एंड कॉइन्स कैन बी एडेड टू गेट टोटल मनी या अमाउंट। जैसे कि यहाँ पर नोट दिया गया है, इसको हमको कैसे इस अमाउंट को टोटल करना है ना। यहाँ पर 100 रुपीज़ का नोट है, ये भी 100 रुपीज़ का नोट है, ये 20 रुपीज़ का नोट है, और ये यहाँ पर 10 रुपीज़ का नोट है, और ये 1 रुपीज़ का नोट है। ठीक है, तो इसको हमको टोटल अमाउंट करना है। तो 100 और 100 कितना हो जाएगा 200, और ये 20 कितना हो जाएगा 120, और इसमें 10 और ऐड कर दीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा 130, और ये 1 रुपीज़ है ना। तो 131 जो है टोटल अमाउंट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई कि जो इसमें बहुत सारे जो नोट हैं और कॉइन्स हैं जिसमें से यहाँ पर 25 और 50 पैसे जो है अभी हमारी इंडिया में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये जो है बंद हो चुका है। ठीक है, और ये 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ का जो कॉइन्स है ये अभी चलता है। ठीक है, आप सभी लोग यूज भी करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कम्बिनेशन ऑफ नोट एंड कॉइन्स। ठीक है, नोट और कॉइन्स का कम्बिनेशन कैसा है यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। देखिए कैसे कम्बिनेशन होता है। केशव एंड जूली हैड टू डिपॉजिट ₹175 फॉर अ स्कूल पिकनिक, लेट अस सी विच नोट एंड कॉइन्स दे गॉट। ठीक है, तो यहाँ पर ये है केशव और ये है जूली, जो कि दोनों ने स्कूल पिकनिक के लिए है ना, स्कूल में पिकनिक जाने के लिए उन्होंने कितने रुपए डिपॉजिट किया, जमा किया 175 रुपीज़ यहाँ पर डिपॉजिट किया। ठीक है, स्कूल पिकनिक जाने के लिए स्कूल। ठीक है, अब उसके बाद केशव जो है 125 डिपॉजिट करता है, जमा करता है, और जूली भी 175 रुपीज़ डिपॉजिट करता है। ठीक है, दोनों ने 175 डिपॉजिट किया, जमा किया। अब यहाँ पर दोनों उतना ही पैसे यहाँ पर कलेक्शन करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, लेकिन उसका जो फॉर्म है वो अलग अलग रहता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर केशव ने 174 डिपॉजिट किया, जिसमें 1 जो है 100 का नोट था, और 50 रुपीज़ का 1 नोट था, 20 रुपीज़ का 1 नोट था, और 5 रुपीज़ का 1 कॉइन्स था।
टोटल अमाउंट कितना किया उन्होंने 175 रुपीज़। जूली भी 175 रुपीज़ डिपॉजिट करती है, लेकिन वो क्या क्या डिपॉजिट करती है देखिए यहाँ पर 50 50 50 50 50 का 3 नोट करती है और 10 10 का 2 नोट और यहाँ पर 2 2 और ये 1 का कॉइन से जो है डिपॉजिट करती है, लेकिन दोनों का अमाउंट कितना है यहाँ पर 175 है ना। माय टोटल इज करेक्ट 175, माय टोटल इज ऑल्सो करेक्ट है, इनका भी करेक्ट रुपीस कितना है 175। लेकिन यहाँ पर जो नोट है उसमें क्या है, जो कम्बिनेशन है वो अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर इनके पास 100 का नोट है, 50 का 1 नोट है, लेकिन इनके पास 50 का 3 नोट है, तो ये जो है डिफरेंस है इसमें। लेकिन कलेक्शन जो है टोटल जो उन्होंने डिपॉजिट किया वो 175 है दोनों का, ठीक है। इन अमाउंट ऑफ मनी कैन बी पुट टुगेदर यूजिंग डिफरेंस कम्बिनेशन ऑफ नोट एंड क्वाइंस, हम यहाँ पर डिफरेंस प्रकार के जो नोट और क्वाइंस को यहाँ पर कलेक्शन करके उतना ही हम जो पैसे हैं वो बना सकते हैं, उतने ही रुपीस बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आपको ऐसे ही यहाँ पर ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए शो टू डिफरेंस वे, यहाँ पर टू डिफरेंस वे में आपको गेटिंग द गिवन अमाउंट बनाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 36 है, 36 जो है अमाउंट को यहाँ पर बनाया गया है अलग अलग नोट और कॉइंस में। जैसे कि यहाँ पर 36 कैसे बना है देखिए, 10 10 10 टेन टेन का कितने नोट है, 3 नोट है, तो कितने हो गए टोटल 30 हो गए है ना। और 5 का 1 कॉइन है और 1 का 1 कॉइन है, तो कितना हो गया टोटल अमाउंट 36। इसमें क्या है देखिए, 20 का 1 नोट है और 10 का 1 नोट है, तो टोटल कितना हो गया 30। और यहाँ पर 5 का 1 कॉइन है और 1 का 1 कॉइन है, तो यहाँ पर भी टोटल अमाउंट कितना हो गया 36। तो यहाँ पर नोट का क्या है कम्बिनेशन जो है डिफरेंस है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 145 को भी आपको डिफरेंस जो टू डिफरेंस वे बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई है देखिए 145 का यहाँ पर 100 का 1 नोट, 10 10 का यहाँ पर 4 नोट बनाई हूँ और 5 का 1 कॉइन्स बनाई हूँ, तो टोटल अमाउंट यहाँ पर 145 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 50 50 50 का 2 नोट और 20 का 1 नोट और 10 10 का यहाँ पर 2 नोट है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 140 हो गया। और ये 2 2 का कितना हो गया 130 यहाँ पर 44 हो गया और ये 145 टोटल अमाउंट कितना हो गया 45। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको टू डिफरेंस वेस वह बनाना है। यहाँ पर देखिए 628, तो 620 बनाए तो 1500 बनाई हूँ मैं और ये 100, तो 600 हो गया और 120 5 कॉइंस 1 और 2 2 कॉइंस और ये 1 कॉइंस 1 का कॉइंस, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 628, ठीक है। यहाँ पर देखिए 200 200 200 टोटल 600 और 10 10, तो कितने हो गए 620 और यहाँ पर 2 2 2 का कितने कॉइंस है 3 कॉइंस और 4 कॉइंस है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए 628, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस वे जो है बनाना है। यहाँ पर देखिए रुपीस जो है उतना ही है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस प्रकार के नोट और क्वाइंस हैं का कलेक्शन है। अब उसके बाद हम पेज नंबर यहाँ पर 128 में स्टडी करेंगे कि राइट द टोटल, यहाँ पर जो कलेक्शन है जो पैसे हैं मनी है उसको आपको क्या करना है टोटल करना है, ठीक है। टोटल करना है मतलब काउंट करना है, जैसे आप लोग अपने घरों में पैसा को गिनते हैं है ना, गिनने आता होगा सभी को आप लोगों को, वैसे ही यहाँ पर आप लोगों को काउंट करना है, इसको टोटल करना है। तो देखिए यहाँ पर ए नंबर में क्या दिया है कि 100 का 1 नोट है, 200 का 1 नोट है, 1000 का 1 नोट है और 10 का 1 कॉइंस है, 5 का 1 कॉइंस है और 2 का 1 कॉइंस है और 1 का 1 कॉइंस है, तो टोटल इसको करना है आप लोगों को। तो आप ऐसा भी लिख कर भी कर सकते हैं टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं देखिए, ए नंबर में हम यहाँ पर 100 का 1 नोट है और उसके बाद 20 का 1 नोट है ना, और 10 का 1 नोट है और 10 का 1 कॉइंस है, 5 का 1 कॉइंस है, 2 का 1 कॉइंस है और 1 का 1 कॉइंस है, इसको आप टोटल कर दीजिए। यहाँ पर 5 और 2 3 कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 और 1 यहाँ पर कितने हो जाएंगे 4,
और उसके बाद ये वन, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितने हो जाएंगे, 100 और 120 और 10 130 और 10 उसमें और ऐड कर देंगे तो 140 हो जाएगा, 40 है ना। उसके बाद 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 और 1 8। तो यहाँ पर 100 कितने हो जाएंगे, 48। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये जो अमाउंट है इसको टोटल करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो दोनों क्वेश्चन हैं यहाँ पर बी और सी ये सब आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर रुपीस एंड पैसे, रुपीज़ इज रिटर्न बिफोर द अमाउंट्स, जो रुपीज़ होती हैं है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर 148 लिखी हूँ, तो जो रुपीज़ है उसको हम क्या करते हैं, अमाउंट के पहले लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि 148 लिखी हूँ, उसके पहले हम रुपीज़ को लिखते हैं, ठीक है। इट कैन बी स्पोक बिफोर और आफ्टर द अमाउंट्स, और हम इसको बोलते कैसे हैं, 148 रुपीज़ ऐसा बोलते हैं ना, जैसे कि 10 रुपीज़ बोलते हैं। तो इसको हम लिखते पहले हैं, जो रुपीज़ उसको अमाउंट के जो नंबर्स के पहले लिखते हैं, लेकिन इसको बोलते बाद में है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोली कि लिखी पहले हूँ रुपीज़ को, रुपीज़ का जो सिंबल है वो पहले है, 148 के पहले रुपीज़ को लिखी, लेकिन इसको बोलेंगे कैसे, 148 रुपीज़ ऐसा है ना, उसको बोलते बाद में है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दोनों में से क्या सही होगा, देखिए 65 रुपीज़ दिया है, ठीक है, और यहाँ पर 65 रुपीज़ 65, तो इसमें लिखने में कौन सही है, ये सही है, रुपीज़ 65। तो हम यहाँ पर ये राइट क्लिक किए, 65 रुपीज़ दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर दिया है रुपीज़ 65। तो दोनों में से हम किसको बोलने में यूज़ करते हैं, हम बोलने में किसको यूज़ करते हैं, दोनों को, 65 रुपीज़ बोलते हैं और रुपीज़ 65, ठीक है, ऐसा भी बोलते हैं। अब उसके बाद हम पैसा को कैसे लिखते हैं, देखिए पैसे इज स्पोक एंड राइट आफ्टर द अमाउंट, जो पैसा होते हैं उसको हम जो अमाउंट होता है उसके बाद लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 25 पैसे, ठीक है, और बोलते भी हैं 25 पैसे, और लिखे भी हैं पैसे को बाद में लिखे हैं पी को, ठीक है, 25 पैसे, तो ये करेक्ट है। जैसे 25 पैसे हम इसको बोलते हैं, ये राइट के लिए, पैसे 25 नहीं बोलते, ठीक है, 25 पैसे ऐसे बोलते हैं, तो ये सही होगा हमारा, पैसे 25 नहीं बोलते, ठीक है। उसके बाद है रेटिंग रुपीज़ एंड पैसे टुगेदर। अब यहाँ पर हम जो रुपीज़ है और पैसे हैं उसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर रुपीज़ और पैसे दोनों रहेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, डॉट करके लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 60 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है, जैसे कि 50 पैसों को हम कैसे लिखेंगे रुपीज़ के बाद, तो इसको लिखेंगे कैसे, 60 रुपीज़, मतलब रुपीज़ यहाँ पर रुपीज़ के सिंबल को पहले लगा दें, 60 रुपीज़ डॉट 50 पैसे, ठीक है। यहाँ पर 30 रुपीज़ 25 पैसे, 30 रुपीज़ डॉट 25 पैसे। उसके बाद रुपीज़ 75 पैसे, 7 रुपीज़, ठीक है, 7 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को ये जो क्वेश्चन दिया है इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए राइट द गिवन मनी इज इन फिगर यूजिंग द डॉट, डॉट में यूज़ करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए 53 रुपीज़ 20 पैसे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 53 रुपीज़ डॉट 53 रुपीज़ 20 पैसे, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 रुपीज़ 60 पैसे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 रुपीज़ 60 पैसे, ठीक है। उसके बाद 90 रुपीज़ 80 पैसे, तो ये हो जाएगा आपका 90 रुपीज़ 80 पैसे। उसके बाद 500 रुपीज़, ठीक है, 500 रुपीज़ डॉट 70 पैसे, ये 70 पैसे। उसके बाद 140 रुपीज़, तो यहाँ पर 140
रुपीज 50 पैसे, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसको जस्ट इसका अपोजिट लिखना है, जो कि यहाँ पर नंबर में दिया गया है उसको आपको वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, 12 रुपीज 60 पैसे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 रुपीज 60 पैसे, ठीक है, 12 रुपीज 60 पैसे। अब ये 60 रुपीज 80 पैसे, 172 रुपीज 20 पैसे, 325 रुपीज 75 पैसे। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और ये भी जो मैंने यहाँ पर बी और सी बोली है इसको भी आप लोग सॉल्व करके मुझे भेजेंगे। थैंक यू।